माय गॉड, बाप रे बाप, यहाँ पर देखो पूरा भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। मैं विदाउट मनी ट्रेवल कर रहा था, इतना मुसीबत आ गया मेरे साथ, क्या बताऊँ। मुझे पता भी नहीं था कि इससे पानी लीक होता है। इधर देखो, खतरनाक एक्सीडेंट। देश के जवान मिल गए। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेघालय। सो आप लोगों को तो पता है कि मैं कल पहुंच चुका था मेघालय, और आप सभी को तो पता है कि मैं कर रहा हूँ पंच केदार सोलो साइकिल यात्रा विदाउट मनी। और कल मैं यहाँ पर रुका था इसी पेट्रोल पंप पे, जो कि यहाँ का पेट्रोल पंप का जो मैनेजर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। और इधर है भैया। गुड मॉर्निंग भैया। क्या कर रहे हो, कल रात सोए नहीं क्या? नहीं सोया, अभी उठा है। अभी उठा, मेरे से पहले उठ गए। अभी उठा है। और बाकी देख सक, हाँ करेगा, हाँ मैं भी नहाऊंगा अभी। तो इधर देख सकते हो पूरा कैसा वेदर है, बहुत ही मस्त वेदर है। बाकी अभी हम लोग भैया और मैं चाय पीने जा रहे हैं। चलो भैया। हाँ ठीक है, चलो। सुबह सुबह पी रहा हूँ लाल चाय, चाय पूरा लाल चाय, गरम गरम। एकदम टेस्टी है। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि मैं अभी कितने ऊंचाई पे हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो। कल मैं उधर से एकदम नीचे से आया था, ऊपर 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 ऊपर, और इस पेट्रोल पंप पे आकर रुका था, देख सकते हो। और इस पेट्रोल पंप पे ना सारे बिहार के लोग हैं और राजस्थान के लोग हैं। भाई बिहार को मेरा सैल्यूट, और राजस्थान के लोगों को तो क्या ही बताऊँ, पहले से ही मुझे कमेंट करते आ रहे हैं। राजस्थान के लोग, काफ़ी लोग मुझे देखते हैं एंड खमागनी। और कल मैं यहाँ पर रूम पे रुका था, यहाँ पर रुका था, ये देख सकते हो मेरे पास चाबी है। अभी खोलूँगा, खोल के अच्छे से नहाऊँगा। बाकी मैं ना अच्छे से ब्रश नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ब्रश लेके नहीं आया था, भूल गया था। कल भी अच्छे से ब्रश नहीं किया, आज भी नहीं किया, और कल स्वच्छता खरीदूँगा बट भूल गया, तो आज खरीदना पड़ेगा। कल तो जैसे भी ब्रश से ब्रश करना पड़ेगा। तो ये देखो, मैं आपको मेरा रूम दिखा, ये है मेरा रूम, देख सकते हो। मैंने इधर ही साइकिल को रख दिया है। अभी नहा धोवा के साइकिल के ऊपर जो है बैग को लगाना पड़ेगा। एंड देखो इधर पावर बैंक चार्ज करने का सब कुछ है, चार्ज कर लिया था। अभी मैं नहाता हूँ, नहाने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। अभी मैं पूरा रेडी भी हो चुका हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो मेरा पैकिंग भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। बाकी साइकिल का हालत देख सकते हो, पूरा गंदा हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है। और जो मेरे गंदे कपड़े हैं ना, वो आज मैंने पहन लिए, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा गंदा है, तो गंदा हो जाएगा इसके कारण। कल ये मैं थोड़ा सा धो के सुखा दिया था, बट अच्छे तरीके से नहीं सूखा, बाकी सूख जाएगा आराम से, कोई नहीं। बाकी अभी साइकिल को निकालूंगा और जाऊंगा सीधा। सुबह सुबह यहाँ पर देख सकते हो मेरे लिए रोटी बना दिया, रोटी। प्यार देखो, प्यार, यह राजस्थान का प्यार, राजस्थान के लोगों को मेरा दिल से सैल्यूट। ये देखो प्यार आ चुका है, अभी और भी आएगा, बहुत कुछ जो खा लेते हैं एंड खा के अपने सफर पे निकलते हैं। तो अंकल दादाजी चलता हूँ, और दादाजी है बिहार से, बिहार। हाँ हाँ, बाय बाय। अभी जो है भैया को भी भाई भाई बोलता हूँ, और भैया जो है अंदर बैठे हुए, अंदर आ जाओ भैया। हाँ भैया जो है अंदर बैठे हुए बाहर से, और खोल दो तो थोड़ा। ये देखो भैया, थैंक यू सो मच इतना सब कुछ करने के लिए, थैंक यू। और भैया के लिए मैं दुआ करूँगा। भैया बोल रहे थे कि मुझे ट्रक पे चढ़ा के उधर उतार देने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। मना इसलिए किया क्योंकि साइकिल से जा रहा हूँ, तो गाड़ी से मुझे जाने का मन नहीं किया इसलिए। लेकिन भैया ने बोला था कि यहाँ से गाड़ी से ट्रक में उठा के उधर पूरा शिलोंग तक छोड़ दूंगा, या फिर तो गुवाहाटी तक, बट मैंने मना कर दिया। एंड शुक्रिया भैया, आपको इतना सब कुछ करने के लिए। महादेव भोलेनाथ के पास जाके मैं आपके लिए दुआ मांगूंगा कि और भी ज़्यादा आप पैसे कमाओ और बहुत उन्नति करो। हाँ हाँ, चलता हूँ भैया, बाय बाय। ये देखो भैया दे रहे पैसे भोलेनाथ को चराने के लिए। हाँ भैया, चरा दूंगा आपके नाम के लिए, ठीक है। चलता हूँ भैया, ठीक है, बाय बाय। चल रहा हूँ मैं पेट्रोल पंप से, लेकिन मुझे अभी पूरा ठेलते ठेलते लेकर जाना पड़ेगा, पूरा धक्का मार के लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हो बहुत बड़ा चराई है, पूरा बहुत दूर तक है। मैं कल रात बहुत दूर तक गया था एंड उसके बाद रिटर्न आया था,
बाकी नीचे पूरा ढलान का रोड है और बाकी इधर ऊपर पूरा ऊंचा है। सभी चलो चराते हैं, ये देखो गाड़ियाँ जा रही है। भैया के लिए क्या ही बोलूँ, ये सब ना महादेव कर रहा है, क्योंकि मैंने बोला था ना आप लोग महादेव के भरोसे रहो, महादेव सब कुछ करेगा। सो मैं तो पूरा एकदम बिंदास था, महादेव के भरोसे था, और देखो पूरा घर जैसा फीलिंग आ रहा है। 3 दिन से निकला हो ना, 3 दिन मेरा इतना अच्छा गया क्या ही बताओ। देखो आप लोग एक बार चढ़ाई यार, उधर से इधर से करने तक हालत पतली हो जाती है पूरा। देखो यार मेरी हालत कैसी हो चुकी है। ओह देखो, ओह माय गॉड, आप लोगों को पता है कल मैं यहाँ पर आया था, वहाँ पर ऊपर से मैं यहाँ से रिटर्न गया था, और ये देख सकते हो इधर है पुलिस चेक पॉइंट, और उधर देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ मेघालय। कल रात मैं इधर तक आया था, इधर तक आने के बाद मैंने पूछा तो इधर से मुझे 16 किलोमीटर बोला, तो मैंने भाई रिटर्न कर लिया, क्योंकि पूरा चढ़ाई का रास्ता है ना ये देखो, पूरा उधर तक ऊपर तक चढ़ाऊँगा, और नीचे पूरा ढलान रोड है, तो मैं नीचे गया पूरा ढलान रोड पर। अंधेरा था तो चढ़ा भी नहीं पाऊँगा, और मेरे पास टॉर्च भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, इसके कारण मैंने जाना ही बेटर समझा, इसके कारण इधर से पूरा मैं घूम के गया था उधर ऊपर से। इधर इतना मुश्किल है मेघालय पे, क्या ही बताऊँ, देख सकते हो इतना खरा चराई है, और आसपास में कोई भी दुकान नहीं है, बस गाड़ियाँ जाता रहता है, और देखो पहाड़ ही पहाड़ चारों तरफ, और एक भी मुझे दुकान नहीं मिला। काफी समय आ रहा हूँ, इतना चराई है, अभी भी और है। ओ साइकिल ऐसे ही मतलब छोड़ दिया ना थोड़ा सा, तो पूरा नीचे चला जाएगा यार, पूरा इसको भी पावर लगा के रखना पड़ता है हाथ से। देखो अभी मैं पैडल पे पूरा पैर रख कर रखा हूँ यार, मेघालय हमें इतना मुश्किल है, मेरा पूरा सारा एनर्जी खत्म हो गया। इधर देखो अभी भी चराई है, और कितना चराई है, मतलब बोल रहे कि 60 किलोमीटर तक पूरा चराई है बोल रहे, 60 किलोमीटर क्या मैं चरा पाऊँगा पैदल पैदल वो भी। क्या करूँ, चराना तो पड़ेगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं पूरा उधर से आया हूँ, ओह माय गॉड, बाप रे बाप, यहाँ पर देखो पूरा भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। ओ पूरा ट्रक नीचे चला गया, पूरा इंसान का क्या हुआ होगा अच्छा यार। ओ माय गॉड, ये देखो पूरा नीचे चला गया, ओ पूरा देख के डर लग गया यार, अभी तक सर आई है। आप लोग देखना चाहोगे मैं अभी साइकिल चलाते चलाते कहाँ तक आया हूँ, ये देखो, ओ देख रहे हो कितना ऊंचाई पे आया हूँ। उधर देखो छोटा सा नदी दिख रहा है, और उधर होगा शायद हमारा घर, बहुत दूर, इधर से दिख भी नहीं हो रहा होगा। ओ माय गॉड, इधर देखो पूरा, ओ बच्चा मुझे देख के क्या कर रहा है अभी, जैसे तैसे करके थोड़ा चढ़ाई करो। हेलो, आसाम से पूरा उत्तराखंड, हाँ थैंक यू। इधर देख सकते हो थोड़ा बहुत ही घर, इधर आके मिला मुझे एक दो घर। हेलो देखो आसाम पत्थरकंदी, ये देखो गाइस मैं यहाँ पर रख रहा था पानी का बोतल, ओ इधर गिर गया स्प्राइट, खत्म शायद, ये देखो। अरे यार अभी मुझे इसे पीना पड़ेगा। फाइनली मुझे थोड़ा सा ढलान का रास्ता मिल चुका है, बाकी मैं वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि देख सकते हो पूरा मतलब गंदा रास्ता है, पूरा टूटा फूटा रास्ता है। सो इधर अगर मैं वीडियो बनाने लग जाएगा, अगर मैं इधर वीडियो बनाने लग जाऊंगा ना तो पूरा एक्सीडेंट हो जाएगा, इसके कारण वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। बाकी अभी पूरा नीचे तक जाऊंगा, एंड उसके बाद देखता हूँ कितना तक नीचा है, एंड थोड़ा बहुत तो रेस्ट हो जाएगा, अभी पूरा नीचे जाऊंगा फिर से चलाने का ताकत मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो अभी मैं जा रहा हूँ, पूरा नीचे ढलान रोड है, और यहाँ पर देख सकते हो हमारे देश के जवान मिल गए। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद। अच्छा अभी आप कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? अभी मैं जाऊँगा मतलब देखता हूँ किधर तक जा सकता हूँ। अभी कहाँ से आए? अभी पूरा पत्थरकंदी से आ रहा हूँ, मतलब आज रुका था उधर पेट्रोल पंप पे। कितने दिन हो गए निकले हुए? 2 दिन हो गया, आज 3 दिन है। कितने दिन का टूर है?
पता नहीं 2 महीना सा पानी, 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 पानी है मेरे पास, हाँ दे दो थोड़ा सा। ये केदारनाथ बद्रीनाथ तुंगनाथ अभी मैं जा रहा हूँ ना, पूरा मेरा बाइक देखो, ये पूरा बाइक की तरह आवाज कर रहा है, ये तो बाइक ही है ना मेरा, देखो पे नीचे जा रहा हूँ पूरा, अभी देखो इधर थोड़े बहुत घर है, ओ पूरा बाइक की तरह साउंड कर रहा है। मजा आ रहा है यार, ऐसे डालान रोड होगा तो मजा आएगा, फोन रखना पड़ेगा यार। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ और अंकल से मैं अंकल का फोन ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे कॉल करके ना एयरटेल पे रिचार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि जियो पे नहीं है और मुझे वीडियो भी अपलोड करना है, इसके कारण अभी इधर एयरटेल का नेटवर्क है। आराम से, नहीं डर क्यों रहूंगा, डर डरूंगा तो थोड़ी ना निकलूंगा। दे दो अंकल। जाते जाते अभी मैं यहाँ पर रुक चुका हूँ, यहाँ पर देखो कैसे पानी आ रहा है। ये भैया कहाँ का पानी है, मोटर का है, बाहर से आ रहा है। वाह देखो इतना तेज है इसका, वाह। अभी मैं इधर साइकिल को दूंगा, क्योंकि इधर देख सकते हो मेरा साइकिल का पूरा टायर वायर गंदा हो चुका है, ये देखो, और इधर देख सकते हो पूरा गंदा हो चुका है, तो अभी साइकिल को थोड़ा सा दूंगा। हाथ से मैं लूंगा एक पाइप और देखो, अरे यार पूरा बैग वैग बिक जाएगा ऐसे तो, इसको इधर लेके आता हूँ, है ना। वो देखो अभी मैं आप लोगों को रास्ता दिखाता हूँ, इधर देखो रास्ता, और इधर देखो ट्रक खड़ा हुआ है, उधर देखो कैसा रास्ता है। ओ भाई साहब इधर तो बहुत ही खराब है यार, यार यार कमरा बंद करना पड़ेगा नहीं तो गिर जाऊंगा यार। तो देखो होली क्रॉस स्कूल, स्कूल के बच्चे होली क्रॉस उमियम फाइन। अभी मैं पहुंच चुका हूँ उमियम, उमियम या उकियम ऐसा कुछ जगह पे पहुंच चुका हूँ। हाँ ट्रक देखो पूरा जाम है ना, ट्रक देखो कब से आ रहा हूँ, 7-8 किलोमीटर हो गया मैं आ रहा हूँ और पूरा जाम पड़ा हुआ है। हमारे लिए तो क्या, मैं तो साइकिल से जा रहा हूँ, मैं तो किधर से भी इससे निकल सकता हूँ ना। चलो हो कैसे ट्रैफिक लगा हुआ है, मैं तो निकल जाऊंगा कोई ना। अभी देखो पूरा ट्रकों के बीचों में से जा रहा हूँ, कितना भयंकर ट्रैफिक है, आज एक्सीडेंट हो जाता मेरा। ओ बाप रे बाप, इधर इतना भरा गड्ढा, पूरा डूब जाऊंगा यार इधर तो मैं, यार पूरा डूब जाऊंगा। उधर देखो आर्मी वाले हैं, हाँ इधर देख सकते हो, मैंने अभी साइकिल खड़ा करके रुका हुआ हूँ, ट्रैफिक लगा हुआ है और सारे ड्यूटी पे हैं भाई, पूरा इतना भरा भरा गड्ढा है, पूरा इधर तक साइकिल डूब जाता है। ओ भाई साहब अभी मैं तो पानी पीऊँगा, और थोड़ा सा मेरे पास ये पड़ा हुआ है, क्या वहाँ से कहाँ जाओ, वहाँ से तुंगनाथ बद्रीनाथ ये सब क्या करने जा रहे हो बताओ, ये से ये यात्रा यात्रा करने जा रहे, हाँ यात्रा करने कुछ। देखो कल रात का भी बस फंसा हुआ है और उधर भी, बट मैं तो साइकिल लेके आ रहा हूँ ना तो आराम से जा सकता हूँ। मैं इधर रुक गया क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी है, यहाँ पर देख सकते हो पानी भी थोड़ा सा है, तो उधर पानी गिर रहा है तो मैं वहाँ से पानी उठाऊँगा और पीऊँगा। और बाकी ना इधर कोई भी दुकान कुछ भी नहीं दिख रहा है और कोई मदद भी नहीं कर रहा है, अगर दुकान दिखता है तो मैं वहाँ पर रुक के कुछ खरीद के खा लूँगा। वैसे मेरे पास केक है बट केक खाने का मन नहीं कर रहा है, केक खाऊंगा तो उल्टी आएगा इसके कारण केक नहीं खा रहा हूँ, अगर बात या फिर कुछ हो जाता, रोटी वोटी कुछ हो जाता तो अच्छा होता, इसके कारण अभी दुकान भी नहीं है। और इधर मेरा साइकिल खराब है, इतना ज़्यादा धूप है और ट्रैफिक तो भाई पूरा ट्रैफिक है, देख रहे हो इधर से अभी गाड़ी आ रहा है, तो इधर से मैं पानी भरूंगा अभी, इधर से देख सकते हो
पानी भरूंगा अभी, ये पहले पी लेता हूँ ना। देखो पूरा ठंडा पानी है, मुंह भी धोऊंगा अभी। तो अभी मैं इधर आके रुक गया, ये देख सकते हो पूरा भयंकर चराई है, इसके कारण थोड़ा सा रेस्ट ले रहा हूँ, चराई करना पड़ेगा और नीचे से चरा के आ रहा हूँ। बाकी इधर शायद झरना होगा इसलिए पूरा साउंड आ रहा है। और ये देखो पुराने घर होंगे शायद, इस पर तो कोई नहीं रहता, ताला लगा हुआ है। उधर भी एक है, उस पर भी ताला लगा हुआ है। अभी मैं इधर थोड़ा बैठूंगा, थोड़ा रेस्ट करूंगा, केक और पानी पीऊंगा और उसके बाद जाऊंगा। इधर देखो ये सब खाऊंगा अभी, देख रहे हो एक केक है और एक केला है और एक ये मटर है, सोयाबीन को खाता हूँ। बहुत थक चुका हूँ यार, और इधर मुझे बात खाना था बट इधर राइस का कोई भी एक भी दुकान नहीं मिल रहा है, तो मैं कुछ भी नहीं खा के चल रहा हूँ। इधर बस दुकान ही नहीं है यार, इतना दूर दूर तक। और आज किधर रहूँगा किधर रुकूँगा वो नहीं पता, बाकी उसके लिए तो मैं टेंशन नहीं करता क्योंकि महादेव है हमारे, तो उसके लिए मैं टेंशन नहीं करता। पता है आप लोगों को मैं अकेले 10 के बराबर हूँ, क्योंकि मैं अभी ना 2-3 मिनट ही बस रेस्ट ले रहा हूँ एंड उसके बाद फिर से चरा रहा हूँ। इधर देख सकते हो पूरा पैदल पैदल चराना पड़ेगा। उधर देखो ट्रकों का लाइन, ओ ट्रकों से आगे तो मैं जा रहा हूँ क्योंकि ये लोग तो पूरा ट्रैफिक में फंसे हुए हैं ना, तो मैंने सबका छोड़ दिया है, अभी बस भी फंसा हुआ है। जैसे देखो एक दो ट्रक आ रहा है और नीचे देखो पूरा ट्रैफिक की दर तक यार, ये पूरा 30-40 किलोमीटर तक पूरा ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। देखो मैं तो पूरा ट्रक से भी आगे हूँ, ये भाई देखो कल मुझे मिले थे, ये लोग ट्रक से जा रहे थे और आज देखो इधर फंसे हुए हैं, आज मैं इनको क्रॉस कर रहा हूँ है ना, देखो इनको क्रॉस कर रहा हूँ मैं। देखो मैं तो पूरा भाई ट्रक से भी फास्ट हूँ यार, साफ खतरनाक एक्सीडेंट। मैं असम करीमगंज पत्थरकंदी, अभी उत्तराखंड। ये कब हुआ, कब हुआ? ओ इंसान का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ वो भाई, ये ना कंबल उबल तो दुरा रही हो जाएगा। अरे यार शायद बूढ़ा आदमी चलाता है, बूढ़ा हो जाएगा, गरम गरम हो गया ना हड्डी। हाँ हाथ तो मिला दे यार। ये देखो पूरा प्लाईबोर्ड का गड्डी है, पूरा एक्सीडेंट हो गया। इंसान बच गया ना भैया, बच गया? ओ देखो इधर होता रहता है ना, मैं पिछली बार वो बाइक से भी गया था ना, तब भी इधर ही हुआ था। वो सामने में जाके देख, वो नीचे में 2-3 गाड़ी पर आ है। ओ भाई ये देखो कितना डेंजर रोड है ये। सो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हो एक छोटा सा प्यारा सा शिवजी का मंदिर है, और उधर भी है शिवजी और शिवजी का मंदिर है, तो मैं कैसे बिना प्रणाम करके जा सकता हूँ। सो इधर देख सकते हो इधर है बाबा जी, आपका नाम क्या है बाबा जी? अच्छा ये किसका मंदिर है? दुर्गा माता की। ये सोनापुर है ये? ओ मैं अभी पूरा सोनापुर पहुंच गया। और इधर देखो इधर भी और भी मंदिर है, इधर भी महादेव का मंदिर है, और इधर भी है, इधर भी है बजरंग बली का भी। ये हमारी हो गया, ओ ये सब है इधर देख रहे हो, वाह। पूजा भी कर लिया अच्छे से और प्रसाद भी खा लिया, तो अभी इधर से भी निकलूँगा। चलो देखो कितना पिक्चर है इधर, ये देखो पहाड़ पहाड़, और इधर देखो टनल। ओ अभी टनल के अंदर से होके जाऊंगा, वो टनल के अंदर एंटर कर चुका हूँ। टू सब्सक्राइब अभी सिन्हा ब्लॉग। हेलो देख रहे हो पूरा अंधेरा है टनल। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो पार्वती पते, हरा हरा महादेव। देख रहे हो पूरा मैंने हिला दिया पूरा टनल महादेव के नाम से।
उधर देख सकते हो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और इधर देख सकते हो सोनापुर का नदी। बाकी ये पूरा क्रिस्टल क्लियर रहता है, पूरा ब्लू रहता है, बट अभी गंदा है क्योंकि अभी बारिश का टाइम है ना और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है इधर, इसके कारण अभी पूरा सा गंदा है, पूरा गंदा है। आया था इधर और इधर देख सकते हो हमारे लोग मिले विष्णुपिया मणिपुरी और ये अंकल मुझे दे रहे 100 रुपीस, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। लीजिए लीजिए और ये भी थैंक यू। फिर से मुझे यहाँ पर इस भैया ने रुका लिया, भैया बोल रहे कि सेल्फी कीजिएगा। चलो ठीक है आप ले लीजिए, कोई दिक्कत। हाँ मैंने ले लिया। अभी मैं जा रहा था और मुझे ये देख सकते हो उत्तराखंड का बाई मिल चुका है पूरा ऋषिकेश का, तो भाई ने मुझे अपना नंबर दे दिया, थैंक यू। कोई भी दिक्कत परेशानी हो हम साथ हैं तेरे। हाँ थैंक यू थैंक यू, वहाँ तक भी तेरे साथ ही मिलेंगे, चिंता वाली बात नहीं, अपना घर है, तू कुछ भी बताइयो सब तेरे को होगा। थैंक यू थैंक यू, ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए हो? मैं करीमगंज असम। इधर देखो पूरा भयंकर झरना, इतना प्यारा वाटरफॉल है और उधर देख सकते हो लोग नहा रहे भाई, देख रहे हो मेरी हालत, स्ट्रगल मेहनत है, अभी तक एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा है मुझे रहने के लिए। और मेरा साइकिल का हालत देखो, एक बार मेरा हालत देखो, मेरे जूतों का हालत देखो, खत्म। फाइनली अभी मैं एक पेट्रोल पंप पे आ चुका हूँ, अभी मुझे यहाँ पर जाके पूछना पड़ेगा कि यहाँ पर रुक सकता हो कि नहीं, सो चलो जाके पूछते हैं पहले। फाइनली अभी इधर रुकने का परमिशन मिल चुका है, अभी इधर टेंट लगाऊंगा और इधर ही रहूंगा। पहले तो नहाना पड़ेगा, बाथरूम है कि नहीं वो पूछना पड़ेगा, क्योंकि देखो मेरा हालत, देखो मेरा साइकिल का क्या हालत हो चुका है। इधर देखो पूरा बैग भी गंदा हो गया, देख रहे हो वो। मैं टेंट वहां पर लगा रहा था, वहां से शिफ्ट करके यहाँ पर लगा दिया क्योंकि यहाँ पर लगाने के लिए बोला। बाकी अभी तो मैं उधर नहाऊंगा, बाकी तो मुझे मतलब साइकिल का टेंशन है यार, साइकिल कहाँ पर रखूँगा, चोरी हो गया तो ख़त्म खल्लास पूरा। बाकी टेंट देख सकते हो यार, मेरा टेंट टूट चुका है यार। अभी बारिश होने लग गया पूरा, अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि इधर से पानी ना आए, बस बारिश। ये भाई अभी इस टेंट को मैं क्या बोलूं, ये देखो भाई, मुझे पता भी नहीं था कि इससे पानी लीक होता है। इधर देखो अभी बारिश हुआ ना, पूरा पानी लीक होके आ रहा है, उधर भी लीक हुआ और इधर देखो, इधर तो पूरा पानी से भर गया। अरे यार इसको तो पूरा चेंज ही करना पड़ेगा। मैं विदाउट मनी ट्रेवल कर रहा था, इतना मुसीबत आ गया मेरे साथ, क्या बताऊँ। इस ट्रेन को अभी चेंज करना पड़ेगा और अभी तो मुझे लोगों ने काफ़ी पैसे दिए, बट उससे भी थोड़ा सा प्लस करके मुझे ख़रीदना पड़ेगा और एक टेंट। देखो रे ऐसा टेंट तो नहीं ख़रीदूंगा दोबारा, एक अच्छा ठीक है थलन वाला टेंट ख़रीदूंगा। अभी सारे जो पैसे हैं वो तो टेंट पे ही लग जाएंगे। फिर से अगर जैसे मेघालय पे हूँ अभी, तो मेघालय से जैसे मतलब जगह मिलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मतलब इधर हेल्प करने वाला कोई नहीं होता। देख सकते हो ना सुबह से मैं आ रहा हूँ तो कोई भी खाने के लिए भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, और कुछ भी नहीं है इधर। तो मतलब ऐसी जगह पर अगर मैं बाहर जाऊँगा तो प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा पैसों की भी ज़रूरत होती है। बाकी देखते हैं क्या होता है, भगवान देखेगा। भगवान इस ट्रेन को लेके ना जाने के लिए ही सब कुछ किया ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि देख रहे हो ना अगर बाहर जाता तो बारिश होता तो इससे टेंट के अंदर से पानी आता तो क्या होता। अभी मेघालय पे हूँ तो अच्छा है ना, गुवाहाटी पे जाके सब कुछ कर सकता हूँ। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। इधर देखो पानी लीक हो रहा है, आज कैसे सोते हैं पता नहीं। इधर देखो वाह 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 वाह, पानी ही पानी हो गया पूरा, आज कैसे सोऊंगा पता नहीं। बैग और सारा सामान भी बिक जाएगा साथ में।
अभी जो है मैंने पेट्रोल पंप पे मेरा बैग रख दिया है और अभी इधर होटल है बोल रहे हैं, थोड़ा सा मुझे चल के जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है इसके कारण, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया ना, बस एक केक खाया था। और सुबह सुबह जब मतलब 7-8 बजे ऐसा होगा मैंने रोटी खाया था, 2 रोटी खाया था इसके कारण। अभी तो बस जाके खाना खाऊंगा यार, बहुत भूख लगा है। इधर आ चुका है मेरा पूरा थाली देख सकते हो, और इस थाली का प्राइस है 120। पूरा भरपेट खाना खा लिया है। और मेघालय पे ना हर चीज़ का प्राइस ज़्यादा होता है इधर, क्योंकि हिली एरिया है ना और दुकान भी ज़्यादा नहीं है, तो हर चीज़ का प्राइस जो है ज़्यादा होता है। सो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, कल सुबह यहाँ से मैं निकल जाऊँगा एंड सुबह सुबह निकलने की कोशिश करूँगा कल। सो इस वीडियो को करता हूँ पे एंड, आई होप पसंद है क्या करना बताना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, साथ में प्यारा सा कमेंट करना है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम।